So, hey guys, good morning. Welcome back to my channel Medigo's Point. I hope you all are doing good. So, this is not a study vlog. Like this is type of a video, एक छोटा सा Q&A मान लो या फिर एक डेडिकेटेड वीडियो भी है विच इज़ फॉर कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. एज यू नो मैंने दिस 7th में आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड टुडे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट वट वर माई मिस्टेक्स जो कि मैंने की उस दिन. सो आई नो मेरी बहुत मिस्टेक्स थी उस दिन, बट उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग रिपीट ना करो. जो कि फ्रेशर्स भी हैं एंड जो भी ड्रॉपर्स भी हैं, आप लोग भी इस साल ये मिस्टेक्स रिपीट ना करो. मैं भी नहीं करूँगा एंड आई विल बी टेलिंग यू. सो मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं जो कि मुझे लगे कि हाँ ये मेरी मेजर मिस्टेक्स थी, तो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम ओनली. फर्स्ट मिस्टेक, आई वॉज नॉट सॉल्विंग मच क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बट लोगों ने बोला, बट हम इग्नोर करते हैं कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है, मैं ये कर लूँगा, बट नहीं दे आर इम्पॉर्टेंट. जो कि मुझे लास्ट के एक महीने में आके पता चला. लास्ट के एक महीने में मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत सारे किए, बट वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था. बिकॉज़ वो तो पता ही था ना कि अगर पहले नहीं करोगे एंड लास्ट में कोई फ़ायदा नहीं होगा. सेकेंड मिस्टेक वॉज, मैंने बहुत कम टेस्ट दिए हैं बीच में. एज यू नो मैं ज़्यादा व्लॉग्स भी नहीं बनाता था टेस्ट के, बिकॉज मैं ज़्यादा टेस्ट देता ही नहीं था. येस टुडे आई एम एडमिटिंग ऑल माई मिस्टेक्स जो कि मैंने की है, एंड ये अच्छी बात है बिकॉज मुझे ये साल में ये सब मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है. थर्ड इज़ कि मैं अपनी क्लासेस स्किप करता था कई बार, जिसकी वजह से मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था लास्ट में, एंड फिर मुझे वन शॉट देख के कंप्लीट करना पड़ा. एंड मैंने मॉड्यूल्स खरीदे थे बट मैं उससे ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करता नहीं था, तो ये भी एक मिस्टेक है. बिकॉज अगर आप मॉड्यूल्स खरीद रहे हो तो आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लेना उससे, बिकॉज खरीद के कोई फ़ायदा नहीं है रख के उनका. एंड लास्ट वन कि मुझे नहीं पता था कि बोर्ड्स को और नीट को कैसे मैनेज करना है. मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा बिकॉज दिसंबर में वी हैड आर प्री बोर्ड्स, फिर जनवरी में प्रैक्टिकल्स, फरवरी में बोर्ड्स, मार्च तक चले बोर्ड्स, एंड देन सिर्फ अप्रैल था हमारे पास एंड मई को हमारा एग्ज़ाम था. सो आई वॉज नॉट नोइंग कि इसको कैसे मैनेज करना है, बट हाँ, तो ये मेरी सिलेक्शन को रोकने का बहुत बड़ा कारण बना है. एंड अभी मुझे समझ आ गया है कि कैसे मैनेज करना है, बट अभी कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज बोर्ड भी निकल चुके हैं, नीट भी निकल चुका है, ना उसमें कुछ होगा ना उसमें कुछ होगा. तो अभी नीट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बोर्ड्स में तो चलो जो हुआ हो गया, बट अभी नीट 2024 पे ज़्यादा फोकस करते हो. सो दिस वॉज सम ऑफ माई मिस्टेक. एंड लास्ट मिस्टेक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी एंड उसकी वजह से तो आई थिंक मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन रुकता है, दैट इज़ 11th वेस्ट करना. मेरी 11th आधी तो कोचिंग में वेस्ट हो गई थी एंड कोविड में वेस्ट हो गई थी, बिकॉज 2021 में भी कोविड था सेकेंड वेव, एंड फिर कोचिंग में चला गया मैं ऑफलाइन. वहाँ पे कुछ समझ नहीं आता था तो नवंबर में मैं छोड़ के आया वापस, तो तब तक तो बहुत टाइम जा चुका था एंड मेरी 11th बिल्कुल भी नहीं हुई थी. तो उसके बाद जो मैंने किया उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट जैसे तैसे करके मैंने मैनेज किया. बट वो बात नहीं बनती है जो हम अगर फुल पढ़ते हैं तो वो होता है. तो सो हाँ, दिस वॉज सम ऑफ माई मिस्टेक एंड इसके अब सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आगे बात करूँगा. सो यहीं पे छोटा सा पॉज लेके मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बहुत बच्चों के लिए. दैट इज़ 3 ईयर्स ऑफ फिजिक्स वाला, 3 साल लाजवाब, एंड विच वॉज ऑन 27th of May एंड इट विल बी एंडिंग ऑन 2nd of June. वैसे तो आप लोगों को इसके बारे में पता चल गया होगा बट अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ. इसमें फिजिक्स वाला आपके लिए लेके आया है बहुत सारी मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस, जिसमें से फर्स्ट बैच जो कि लॉन्च हुआ है दैट इज़ योर अर्जुना नीट 2.0 फॉर क्लास 11th, एंड ये एक कंप्लीट 11th बोर्ड एंड नीट सिलेबस बैच है जो स्टार्ट हो रहा है 29th मई से, एंड जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी कवर होंगे. क्लासेस होंगी 6 डेज इन अ वीक एंड 2 क्लासेस इन अ डे, और इसमें आपको मिलेंगे DPP, मॉक टेस्ट और बहुत कुछ इन जस्ट 3,800 ओनली. सो नेक्स्ट बैच है लक्ष्य नीट 2.0 2024 फॉर क्लास 12th, एंड इसमें भी आपको बोर्ड्स एंड सब कुछ कवर होगा आपका नीट वगैरह का, एंड इट इज़ स्टार्टिंग ऑन 12th of June एंड सेम प्राइस 3,800.
एंड सेक्ट लाइक नेक्स्ट बैच जिसमें कि मैं स्टडी कर रहा हूँ एंड बहुत बच्चे कर भी रहे होंगे अभी जो कि स्टार्ट हो चुका है, बट अभी भी आप इसको खरीद सकते हो. दैट इज़ PW यकीन 2.0, लाइक इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर्स बैच ऑफ दैट इज़ यकीन 2.0 बैच बाय PW. एंड इसमें भी आपको सेम मिलेगा जो कि 18th मई से स्टार्ट हो चुका है. एंड 6 डेज क्लासेस होंगी जिसमें 3 क्लासेस 2 आवर्स के होंगे. एंड ये बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी एज अ यकीन हिंदी इन जस्ट 2500. एंड जो यकीन इंग्लिश है लाइक हिंदी प्लस इंग्लिश वो है 3900 में. सो इसमें आपको बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं लाइक लेक्चर्स बाय 2 सेट ऑफ टीचर टीम अल्फा एंड टीम लेजेंड. एंड आपको DPPs मिलेंगी, उसके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे बाय क्लास टीचर, लाइक क्लास टीचर से सॉल्यूशन मिलेंगे. नेक्स्ट इज योर NCERT डिस्कशन होंगी, रिवीजन नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट. एंड PW ने लॉन्च किया अपनी PW नीड 36 ईयर्स PYQ's बुक फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जस्ट फॉर 499, जिसमें 100% लाइक सोल्यूशन जो होंगे वो NTA की आंसर की से होंगे. एंड जो कि बनाया गया है बाय क्यूरेटेड एक्सपर्ट ऑफ फिजिक्स वाला. एंड बस यही था. सो PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाओ और मेरा कूपन कोड यूज़ करो विच इज़ MED150 फॉर एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ डिस्काउंट. जितने भी प्राइजेस बताए उसमें 150 और लेस हो जाएगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो एंड परचेज नाउ. So now I'm talking about the next ask question, which is my strategy for next attempt. तो strategy मेरी simple है and ये सब चीज़ों का solution है. पहले तो मेरी जितनी भी mistake हैं सबको correct करना है मुझे, अच्छे से test देने हैं, question solving करनी है. जो कि आप लोग अभी मेरी full journey देखो गई, पहले तो चलो मैंने vlogging ही last year start की थी तो उसमें ज़्यादा पता नहीं चला होगा, but still अभी मतलब 5000 लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरी जर्नी देखोगे सारी स्टार्टिंग से. एंड कोई भी मेरी मिस्टेक होगी तो आई एम श्योर आप लोग मुझे बताओगे ही कॉमेंट सेक्शन में. बट हाँ, मेरा अभी का यही है कि मुझे ये सारी मिस्टेक्स करेक्ट करनी है. नेक्स्ट की मुझे बहुत सारे टेस्ट देने हैं लाइक जितने भी होंगे PW के, एंड आप लोगों के साथ शेयर करना है. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यही कुछ सोल्यूशन है जो कि मिस्टेक मैंने बताई, बस उसके सोल्यूशन कर दो. एंड आप लोग बहुत लोग पूछते हो मेरा ड्रीम कॉलेज, तो पहले मेरा ऐसा कुछ ड्रीम कॉलेज था नहीं जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, बट अभी मेरे पास 2 कॉलेजेस हैं जिसमें से एक में मुझे जाना है, कोई भी हो सकता है वो. फर्स्ट इज़ AIMS मोहाली एंड सेकंड इज़ GMCH चंडीगढ़. तो इन दोनों में से किसी में भी मुझे एडमिशन मिल जाए आई विल बी ओके, बिकॉज मुझे इन दोनों में से किसी में जाना है बिकॉज आई वॉन्ट टू गो नियर चंडीगढ़, बिकॉज वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक 1 आवर 1 आवर 30 मिनट्स की ड्राइव है. वैसे तो मैं रहूँगा हॉस्टल में ही, बट स्टिल वो मेरे घर के नज़दीक है. तो टॉकिंग अबाउट माय फेस रिवील, जो कि हर वीडियो के नीचे क्वेश्चन आना ही होता है. सो देखो, मैं अभी श्योरली तो नहीं कह सकता, बट मैंने कुछ प्लान किया है विच इज़ आई विल बी लाइक रिवीलिंग माय फेस ऑन माय 18th बर्थडे, जो कि है 12th of October को 2023. मेरा 18th बर्थडे एंड आई होप तब तक हमारे 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे. अगर हो जाएंगे तो मैं कर दूंगा, नहीं करूंगा. तो हाँ, बस यही था. एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट अ न्यू चैलेंज जो कि मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आज मंडे है, मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एंड न्यू चैलेंज जो कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ टू स्टडी 10+ आवर्स फॉर होल वीक एक्सेप्ट संडे. संडे को 5 आवर, बिकॉज संडे या थोड़ा ब्रेक होना चाहिए. एंड आई विल बी ट्राइंग टू वेक अप अर्ली, विच कैन बी 5-6 समथिंग. वैसे मैं पहले 3-3 बजे उठता था, बट अभी वो दिन गए ना, अभी उतना मोटिवेशन नहीं है. एंड पता नहीं क्यों अभी मेरे से उठा नहीं जाता, बिकॉज रात को नींद नहीं आती. चलो अपना स्लीप साइकिल सही करेंगे धीरे धीरे, बट अभी जो है वो है. तो बस मेरा यही चैलेंज है टू स्टडी 10+ आवर, बिकॉज अभी दिन ना थोड़े अनप्रोडक्टिव से जा रहे हैं. नॉट ओनली मी, आप सभी के जा रहे होंगे आई थिंक. एंड उसको थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने के लिए आई थिंक हमें ये चैलेंज लेना चाहिए. सो लेट्स टेक इट. एंड या, दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू ऑल एंजॉयड. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई होप अगर आप फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, कुछ भी हो,
आप लोग ये मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे एंड वी विल बी गेटिंग आवर सिलेक्शन नेक्स्ट ईयर. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.